तो गाइस YouTube से सही तरीके से अर्निंग करने के लिए आप लोगों को अपने चैनल को मोनेटाइज करना होता है, फिर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, फिर आपको US टैक्स फॉर्म भरना होता है और फिर आपको पिन वेरिफिकेशन करना होता है यानी अपना एड्रेस वेरीफाई करना होता है। तो इन चारों वीडियोज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इन चारों वीडियोज को देख सकते हो और अपने चैनल को अच्छी तरीके से मोनेटाइज करके YouTube से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो हे गाइस, आई एम श्रियंक खेवरिया, वेलकम बैक टू द YouTube चैनल टेक्निकल वेमो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि गाइस YouTube चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उससे आप एक वैलिड पर्सन हो जाते हो, यानी आपका जो भी गवर्नमेंट इशू कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट होगा तो वो उनमें से एक आपको वेरीफाई करना होता है जिससे कि YouTube को लगता है कि हाँ एक आप एक वेरीफाइड पर्सन हो। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स एंड गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना वाइट स्टूडियो ऑन कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो गाइज, आज सुबह ही यहाँ पे मेरे $10 कंप्लीट हो चुके थे और गाइज शाम में मुझे ईमेल आ गया था कि आप लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए इलिजिबल हो गए हो। अब गाइज, इस वाली ईमेल को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। तो वो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है कि आप लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, तो ये वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आप लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो और इसमें कुछ टाइम लगता है, आपको कुछ दिन का टाइम लग जाता है या फिर 24 आवर्स भी लग सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उसके चारों कोने विजिबल होने चाहिए, यानी अच्छी तरीके से वो दिखना चाहिए, फुल फोकस में होना चाहिए, कुछ भी ब्लरी फोटो नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें कुछ एलिजिबिलिटी बताई गई हैं। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन दिख जाता है, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आप एडसेंस की इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको आपका एडसेंस पब्लिशर आईडी यहाँ पे दिखा देगा और इसके नीचे में गाइज यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि आप लोगों के जब भी एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाएंगे, $100 का जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप लोग यहाँ से विड्रॉल ले सकते हो, तभी आप लोग अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में बेल आइकन दिख जाएगा, तो यहां पे जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर भी वेरीफाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, बट हम लोग यहां से वेरीफाई नहीं करेंगे। हम लोग सीधा चलते हैं क्रोम में और यहां पे सर्च करते हैं गूगल एडसेंस और गाइस जो सबसे पहले वाली वेबसाइट आ रही है यहां पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको 3 लाइंस दिख रही है, यहां पे क्लिक करके साइन इन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में गाइस यहां पे ऊपर में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा एक्शन करके, तो यहां पे भी क्लिक करके आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। बट गाइज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो गाइज ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिख जाएंगे, वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ वेरिफिकेशन चेकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके नीचे ही आपको टेक एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। रेड कलर में जो लिखा हुआ आ रहा है प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक आप लगा सकते हो। पहला ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो इनमें से मेरे पास में गाइस पैन कार्ड है, तो मैं सिंपल सा पैन कार्ड वाले ऑप्शन को वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद में गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आपका लीगल नेम जो कि आपके पैन कार्ड में होगा, जो भी आपके गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट में होगा, वो आपको लीगल नेम, सेम टू सेम नेम, आपको लीगल नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ से पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे 2 फोटोज क्लिक कर लेने हैं अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो पैन कार्ड के। तो मैं यहाँ से मैं 2 फोटोज सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ, ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला। इसके बाद में गाइस पहले वाले में आपको फ्रंट वाली फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, अपलोड करनी है, और दूसरे वाले में आपको बैक वाली फोटो अपलोड करनी है। अब यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि जो आपने जो फोटो क्लिक करी है उसका जो फाइल साइज है गाइस वो बहुत बड़ा है, तो उसमें मैंने 108 मेगापिक्सल से उसको क्लिक किया था, तो अभी मुझे नॉर्मल कैमरा से उसको क्लिक करना होगा, यानी उसका जो फाइल साइज है गाइस उसको मुझे कम करना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने परफेक्टली दोनों फोटोज को यहाँ पे लगा दिया है, अपलोड कर दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपने एड्रेस को यहाँ पे सही तरीके से लिखना है, जो कि आप लोगों ने एडसेंस अकाउंट बनाते हुए जो एड्रेस दिया था या जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहां पे मैंने अपना एड्रेस यहां पे फिल कर दिया है। अब इसको आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में सबसे नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ईमेल भेजा जाएगा, उसमें गाइस आपको पता लग जाएगा कि आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है।
तो यहाँ से हम गोट इट कर देंगे। तो गाइस गोट इट करते आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन था वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो यहाँ से हट चुका है। तो गाइस जैसे हम लोगों ने वेरीफाई किया अभी के अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मुझे ईमेल भी रिसीव हो गया है कि हमारा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। इसके बाद में गाइस आप लोगों को यूएस टैक्स फॉर्म भरना होता है, क्योंकि अगर आप लोग यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरोगे तो आपकी जितनी भी अर्निंग होगी उसका 35% यूट्यूब खुद से रख लेगा। अगर आप यूएस टैक्स फॉर्म भर देते हो तो उसका 15% ही वो काटेगा आपकी अर्निंग का। तो अगर आप लोग यूएस टैक्स फॉर्म भरना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करके देख सकते हो, ये वाली जो वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।